मेरी पहली बेटी हुई तो सारे खुश हुए भी अल्लाह ने बेटी दी, फिर दूसरी हुई, तीसरी, जो चौथी हुई तो फिर मेरे मियां ने मैनू कहा भी हुण भी बेटी हुई मैं तैनूं तलाक दे देनी। वो बेटी हुई सी, वो दो मां के हुई, मेरा शौहर मैनूं छोड़ के चला गया। हाँ जी, काम मैं ही कर सी, बच्चियां ने कदे भेजा कि लोगों के गंदियां नजरां बढ़ देन बच्चियां ते। कितनी उम्र है आपकी बेटी? मेरी उम्र वड्डी बेटी दी 18 साल उम्र। जेडे मेरे कर्जे उतारे मदद कर दे, अच्छा होवे, मेरे बेटे की तरह अच्छी इज्जत देवे तो हो सकता मैं अपनी बेटी का रिश्ता उन दे देवा। बेटी की शादी का मतलब कि जो बड़ी बेटी है उसका सोच रही है? हाँ जी, उसका सोच रही है भी कोई अच्छा इंसान होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुबीन अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मुबीन की आवाज़। तो जी नाज़रीन, आज मैं कैसी बहन के पास मौजूद हैं। इनकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि चार इनकी बेटियां हैं जिसकी वजह से इनका जो शोहर था वो इन्हें छोड़ के चला गया। देखें कि अल्लाह की रहमत होती है बेटी। लोग कहते हैं कि जिसके घर पहली बेटी हो उस पर अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह उसे खुश होता है। और इनकी चार बेटियाँ थी जिसकी वजह से शोहर जो है वो छोड़ के चला गया कि बेटा नहीं होता। उसने जो है इन्हें तलाक दे दी, ना अपनी बेटियों का सोचा कि कैसी ये पलेंगी, इनको तलाक दे दी और फिर जाके दूसरी शादी कर ली। और फिर इन्होंने मुझे बताया कि उसके साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि उसका भी एक बच्चा हुआ और वो भी बेटी हुई है उसकी। बाकी हम सारी स्टोरी जानते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपकी जो सारी स्टोरी है, जो जो आपके साथ हुआ है, आपकी बेटियों के साथ हुआ है, ये सब बहन भाइयों की तरफ देख के इन्हें बता दें। मेरी पहली बेटी हुई तो सारे खुश हुए भी अल्लाह ने बेटी दी, फिर दूसरी हुई, तीसरी, जो चौथी हुई तो फिर मेरे मियां ने मैनू कहा भी हुण भी बेटी हुई मैं तैनूं तलाक दे देनी। वो बेटी हुई सी, वो दो मां के हुई, मेरा शौहर मैनूं छोड़ के चला गया। मतलब जब चौथी बेटी हुई है तो दो माह बाद जो है वो शोर छोड़ के चला गया। हाँ जी, वो अपने मामा भैणा पीछे लग के उन्हें मैं तलाक दे दी। पहले जब बेटी हुई थी तब ठीक था, खुश था? हाँ जी, खुश है वैसे। तो मामा भैणा मगर लग के तो उन्हें मैं तलाक दे दी थी। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ जी। तो गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा पर लोगों के घर काम करती रही, पहले ठीक सी, फिर मैं आप बीमार हो गई। क्या मसला था? वह पेट के अंदर सौली पान गई सी, तो उन्हें फिर ऑपरेशन करवाया लोगों को, कर्जा कुर्जा ला के। कितना कर्जा लिया, कितने का हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन होया 60,000 रुपया लगा ऑपरेशन पे। कोई लोगों को कर्जा फड़ा है, कोई जायज़ वालों से लिया, 20,000 लिया से, इस टाइम 27,000 होया थोड़ा सूद लग। अच्छा, जायज़ वालों से आपने 20,000 कर्जा लिया था और अभी 27,000? हाँ जी। नाजरीन, ये जो है ये बिल्कुल बात सच्ची है। तो उन्होंने जो है वो इंटरेस्ट रेट रखा हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने जो है 20,000 कर्जा लिया, और उसके बाद अभी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वो जो है 27,000 हो चुका है, महीना ऊपर हो चुका है। इन्होंने वापस करने थे 20,000 लेकिन ये नहीं कर सकी, जिसकी वजह से आज वो जो है वो 27,000 हो गया है। और इन्हें डर है कि ये ना जो है पूरे कर सके तो इस तरह ये बढ़ता रहेगा, लाखों तक पहुँच जाएगा। आप लोग जो हैं इनसे सबूत भी मांग सकते हैं, ये आपको पिक्चर भेज देंगी, आप वीडियो कॉल पे देख सकते हैं कि सच में जो है इन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ है। और अगर कोई भाई इसकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहे कि इनका जो है वो कर्ज़ा क्लियर करवा दें तो आप जो हैं आपकी बहुत मेहरबानी होगी। टोटल कितना कर्ज़ है आपको? 1,00,000 रुपया होगा। 1,00,000 रुपया? हाँ जी। तो नाज़रीन, सब कुछ आपके सामने, 1,00,000 रुपया जो है आपने, ये 1,00,000 रुपया ऑपरेशन के लिए लिया था? ऑपरेशन के लिए भी लिया सी, तो बच्चे भूखे सन, फिर मैं तो बीमार हो गई, फिर बच्चियां भूखियां जा रही घर, कोई चीज़ नहीं खाने पीने। काम सिर्फ आप ही करती? हाँ जी, काम मैं ही कर सी, बच्चियां ने कदे भेजा कि लोगों के गंदियां नजरां बढ़ दें बच्चियां ते। कितनी उम्र है आपकी बेटियों की? वड्डी बेटी दी 18 साल, उस तो छोटी दी 13 साल हैगी, उस तो छोटी दी 11 साल है, जेड़ी सब तो छोटी उनकी 4 साल उम्र हैगी। हाँ जी। तो छोटी छोटी जो है, एक आपकी छोटी सी बेटी है, जब वो भूख के लिए तरसती होगी तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? तो दिल पे तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन गुजरती है, मैं काम पे भी नहीं जा सकती। अब सही हो गई है? हाँ जी। अब काम कर रही है? हाँ जी, अब काम कर रही हूँ। लोगों को बड़ा उधार लिया, मालिक मकान ने मेरा समान अंदर रख के गुताला ला लिया, चाबी उन्हें अपनी जेब पा ली है। उसने क्यों ऐसे किया? वो 4 माह का किराया सी तो नहीं दिखा, तो उन्होंने कहा अभी जब तो किराया वापस करो उदो सामान चुक लेना अपना। तो नाजरीन देख सकते हैं कि मालिक मकान ने ये नहीं सोचा कि जो है बेटियां साथ है
उसने जो है किराया नहीं इन्होंने 4 महीने का दिया, तो उसने चाबी पकड़ के ताला लगाया और इन्हें निकाल दिया। सामान भी आपको उसके पास है? हाँ जी उसके पास है। असि किसी के घर हूँ रह रहे हैं। कोई आपके रिश्तेदारों का? हाँ जी रिश्तेदारों का घर। वह भी तंग की खिलन बच्चों, क्योंकि आंदे बच्चे साढ़े नौ आपस बच्चों की लड़ाई की वजह तो भी परेशान ने। बच्चे मतलब कि आपस में लड़ते हैं बच्चे, तो बड़ी टेंशन बनी हुई। कोई यह जहाँ अच्छा इंसान मिले जेड़े मेरे कर्जे उतारे मदद कर दे, अच्छा हो वे, मेरे बेटे की तरह अच्छी इज्जत देवे, तो हो सकता मैं अपनी बेटी का रिश्ता उन दे देव। अच्छा बेटी की शादी का मतलब कि जो बड़ी बेटी है उसका सोच रही है? हाँ जी उसका सोच रहे हैं भी कोई अच्छा इंसान हो, कर्जे उतार देवे, अच्छा रहे बेटियाँ की तरह, क्योंकि सिर तो साया नहीं है किसी का, कोई मर्द का सहारा नहीं है। चलो मैं उन्हें अपने बेटियाँ की तरह रखा गया। नाजरीन सब कुछ आप लोगों के सामने ही जो है रिश्तेदार के घर रह रही हैं, इन्हें इन्होंने जो है 4 महीने का रेंट देना है, जिसकी वजह से मालिक मकान ने जो है वो ताला लगा दिया और इन्हें निकाल दिया है। ये अभी चाहती हैं कि कोई ऐसा शख्स इन्हें मिले, कोई ऐसा इनका बेटा इन्हें मिले जो इनके सारे मसाइल हल करें, इनका जो कर्ज़ा है वो उतारे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अगर कोई मुझे ऐसा मिला, कोई मेरे बेटों की तरह मुझे लगे जो हमारा सहारा बने, उसके साथ मैं जो है अपनी बेटी की भी शादी करूँगी, क्योंकि इन्होंने जो है बेटी को घर नहीं बिठाना, इन्होंने अब शादी करनी है और इन लोगों को अब जो है एक मर्द के सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अम्मा जी जो हैं ये अकेला सारा कुछ तो नहीं ना कर सकती। आप अब मुझे बताती चलें कि बेटों के सामने बहन भाइयों के सामने क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये करना चाहनी हूँ कि कोई अच्छा हो जेड़ा मेरा कर्जा ला दे, मेरा 4 महीने का किराया भर दे, आज़ाद मैं हो जाऊँ, कोई अच्छा बेटे की तरह हो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता उन दे दे। तो नाजरीन अब आप लोगों ने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है और रिश्ते के लिए किसी भाई ने भी तंग नहीं करना, पहले आप लोगों ने जो है इनकी मदद करनी है, उसके बाद जब इनके कर्जे उतर जाएंगे, जब ये टेंशन फ्री हो जाएंगे, तब इन्हें जो अच्छा लगा तो ये फिर खुद ही उसके साथ जो है अपनी बेटी का रिश्ता कर देंगी, क्योंकि इन्होंने बेटी को घर तो नहीं बिठाना, उसकी शादी करनी है। तो किसी भाई ने भी रिश्ते के लिए तंग नहीं करना। आप ये बताती चलें कि अब खाना पीना कैसे पूरा हो रहा है आप लोग? कोई खाना पीना नहीं, बच्चियाँ बेचारे भूखे होंगे, कोई हमसाए रोटी दे देंगे, कोई किधरों मंग तंग के गुजारा कर रहे, क्योंकि मैं आप बीमार है गई हूँ, तो रोटी मंग तंग के लोग बच्चियाँ बेचारे खा दिया नाल मैनू ही खो। कितने भैन भाई हैं? मेरे भैन भाई है गए ने 5 भैन, 4 भाई। तो 4 भाई हैं आपके, तो भाई नहीं साथ देते आप? नहीं साथ देने, फिर जेड़ना दे अपने बहने तो चलें घर वाली हैं अपने, वो अपना सोचती होंगी, तो भाई भाइयों को तो चाहिए कि आपका साथ दें? नहीं भाई भी नहीं देंगे दे। भाई भी नहीं देते? नहीं देते, उन्होंने अपने 5 बच्चे ने, फिर वो किसी के बच्चों ने क्यों सामभन जा पालन, मतलब वो अपना पूरा करें कि किसी पूरा करा। हाँ जी वो भी मजदूरी करते हैं, फिर वो मेरे बच्चों ने खुआन जा अपने ने खुआन। तो नाजरीन सब कुछ आपके सामने के 4 भाई हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में जो है वो अपना पूरा कर लें तो उन्होंने बताया बड़ी बात है, 5 उनके अपने बच्चे हैं, तो इनके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। कितना किराया आपके घर का 4 महीने का आपने रेंट देना? हाँ जी 24,000 है। 24,000? हाँ जी। तो नाजरीन आप इनसे रब्ता करके जो है वो इनके मकान का रेंट दें, 6,000 इनके महीने का जो है रेंट है, बिजली का बिल डाल के किराया वगैरह सारा कुछ मिक्स करके 6,000? नहीं अलहदा बिजली का? हाँ जी अलहदा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। नाजरीन देख सकते हैं कि बिजली का बिल भी नहीं दिया हुआ, और इस वक्त जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं यहाँ कोई जो है वो पंखा भी नहीं लगा हुआ, ये आप देख सकते हैं कि कितना पसीना आ रहा है मुझे, लेकिन ये जो है अपनी 4 बेटियों के साथ यहाँ पे जो है गुजारा कर रही हैं, क्योंकि किसी ने इनके किसी रिश्तेदार ने नहीं ये कमरा दिया हुआ है जो छत पर है रहने के लिए, कि इनकी जो है वो बेटियाँ हैं तो इनको कुछ सहारा हम दे दें, क्योंकि इनका अपना घर जो है वो तो उन्होंने निकाल दिया है। अब आप लोगों ने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है, और इसी के साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, ये अगर आप हमारी NGO में मुस्तहिक हकदार लोगों के लिए डोनेशन करना चाहते हैं, तो नीचे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। आप ये बताती चलें कि बहन भाइयों को क्या कहना चाहेंगी जाते जाते? मैं कहना चाहूँगी कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, मैं कर्जे सार टेंशन तो आज़ाद हो जाऊँ। नाजरीन अब आप लोगों ने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है, और हमें इजाज़त दीजिए इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप इनकी मदद करेंगे और इनके कर्जे उतरेंगे। आपसे वो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।